जबलपुर शहर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में हमेशा से ही कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है। ताजा मामला मेडिकल कॉलेज अस्पताल की उपाधीक्षक डॉक्टर रिचर्ड शर्मा एवं मेंट्रेन अंजना श्रीवास्तव का है, जहां उपाधीक्षक डॉक्टर रिचर्ड शर्मा के द्वारा मेंट्रेन नर्स अंजना श्रीवास्तव से अभद्र भाष्य का प्रयोग करते हुए उनके साथ बदतमीजी डॉक्टर रिचर्ड शर्मा के द्वारा की गई, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज की नर्सेज ने पूरे मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की है। तो वही मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर गीता गोयल ने भी नर्सों उप अधीक्षक डॉक्टर रिचर्ड शर्मा की शिकायत की है। वहीं पूरे मामले में अंजना श्रीवास्तव ने बताया कि जब वह शनिवार के दिन 1 बजे उप अधीक्षक के पास गई तो उन्होंने बिना किसी बात को लेकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। वहीं उनके साथ कुछ नर्सेज जो कि उस समय ड्यूटी पर थी उनके साथ थी, जो कि पूरे मामले की प्रत्यक्षदर्शी हैं। वहीं आज डीन कार्यालय पहुंचकर मेडिकल कॉलेज की टीम को एक शिकायत दी गई है। अगर मामले में उप अधीक्षक डॉक्टर रिचर्ड शर्मा पर कार्रवाई नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन नर्सों के द्वारा किया जाएगा। आज आप लोग यहाँ आए हैं क्या पूरा? यहाँ हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। जो हम लोग को असहनीय बातें कही गई है उसके विरोध में, कोई हड़ताल नहीं है, कोई काम बंद नहीं है, सिर्फ 2 घंटे के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर अपनी वो रखने के लिए कि हम लोग के साथ जो हुआ है आगे कभी ना हो किसी के भी साथ। किस प्रकार की घटना हुई और किसने की? ये डॉक्टर ऋचा शर्मा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, उनके द्वारा की गई सुपरिटेंडेंट ऑफिस में। वहाँ काफ़ी सारे लोग थे, मेरे स्टाफ के भी लोग थे जो वहाँ पर गए थे अपना सामान वामान लेने के लिए, उनने भी सुना है। और मैं वहाँ से जब लौटी तो उनने ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करा कि जो मैं सहने के मेरे बाहर है। अभी मेरे को रिटायरमेंट का सिर्फ 6 महीना बाकी है और काम में अपनी पूरी ईमानदारी से करती हूँ, जो वो कहते हैं वो मैं फॉलो करती हूँ, पर उसके बावजूद ये जो घटना घटी है ये तो असहनीय है और मैं ये नहीं सह पा रही हूँ। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो अब डीन का वेट करेंगे कि वो क्या बोलती हैं, उसके बाद बता सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और 2 घंटे काम बंद किया है बस। मेरा नाम है श्रीमती अंजना श्रीवास्तव, मेट्रन मेडिकल कॉलेज जबलपुर।